कैसे हैं दोस्तों। अभी मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आ गया हूँ गणपत मूवी का, जिसके लीड रोल निभा रहे हैं टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सेनन, अमिताभ बच्चन। मूवी की कहानी की बात की जाए तो ये हमारे फ्यूचर की है, जो कि मैंने लास्ट टाइम ट्रेलर के टाइम भी बताया था। इस मूवी को स्टार ट्रैक जैसा बनाया गया है। इसमें दो अलग अलग दुनियाएं को दिखाया गया है, यानी कि एक अमीरों की दुनिया और एक गरीबों की दुनिया। अमिताभ बच्चन गरीबों की दुनिया के मसीहा होते हैं। वो वहाँ पे एक रिंग अखाड़ा खोलते हैं, जहाँ पर वो आपस में लोगों को लड़वाते हैं और एंटरटेन करवाते हैं और उन्हें तैयार करवाते हैं अमीरों से लड़ने के लिए। लेकिन एक दिन उनकी मौत हो जाती है, तो हो जाता है गरीबों का बुरा समय चालू। वही गरीबों के खेल को ले जाते हैं अमीर लोग अपने यहाँ, और वहाँ गणपत भी पहुँच जाता है उस खेल के दौरान। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होने के बाद गणपत वापस आ जाता है गरीबों के पास और दिखाता है अपना बहुत सारा फाइट और एक्शन सीन। अगर मूवी की VFX की बात करूँ तो VFX तो बहुत ही ख़राब है, जिसे देखने के बाद आप थोड़े से निराश होंगे। लेकिन टाइगर श्रॉफ का बहुत सारा स्टंट और कहानी की बेहतरीन एक्शन को देखकर आपका वो सारा दुखी मन शांत हो जाएगा। कीर्ति सनन को एक बाइक में चेसिंग सीन पर दिखाया गया, जिसे देखने के बाद आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अगर बात करें, इस बार बॉलीवुड ने वो पेड़ों के पीछे गुपचुप गुपचुप वाली कहानी को पीछे छोड़ दिया और ले गए हॉलीवुड के नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आप टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आपको यह मूवी पसंद आने वाली है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ का एक्शन तो उतना ही भरा हुआ है। मेरी तरफ से इस मूवी को आप बेहतरीन तरीके से देखिए अपने नज़दीकी थिएटर्स में। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।